डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर में ब्लड शुगर लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, उन्हें खाने पीने को लेकर काफी ज्यादा ध्यान देना होता है, और इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है ब्रेकफास्ट, क्योंकि ब्रेकफास्ट जो है हमारे पूरे दिन का सबसे इम्पॉर्टेंट मील होता है। ब्रेकफास्ट की वजह से ही हम पूरे दिन एनर्जेटिक रहते हैं, इसके साथ ही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा रहता है, और हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में ब्रेकफास्ट का बहुत बड़ा रोल है। हालांकि डायबिटीज के पेशेंट्स जो हैं, वो ब्रेकफास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जो उन्हें नहीं खानी चाहिए, और आगे चलकर उन्हें बहुत सारे और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर डायबिटीज के पेशेंट्स को ब्रेकफास्ट में क्या नहीं खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए। हाय, मेरा नाम है मेघा और आप देख रहे हैं एमबीटी लाइव। तो डायबिटीज के पेशेंट्स को क्या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। इसमें नंबर वन पर है ब्रेड और बेकरी प्रोडक्ट्स। अगर आप नाश्ते में ब्रेड खाते हैं, स्पेशली वाइट ब्रेड खाते हैं, और बेकरी प्रोडक्ट्स जैसे कि डोनट्स खाते हैं, पेस्ट्री खाते हैं, तो ये डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। इसमें शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इसके साथ ही इसमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो शरीर में तुरंत ही शुगर लेवल को स्पाइक करते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप वाइट ब्रेड को मल्टीग्रेन ब्रेड से रिप्लेस करके खा सकते हैं। दूसरा है मीठे अनाज और सीरियल्स। बहुत सारे लोग ब्रेकफास्ट में कॉर्नफ्लेक्स खा लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता है। इसमें छुपी हुई चीनी की मात्रा काफी ज्यादा होती है, इसके साथ ही प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं, जो डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। यह आपके ब्लड शुगर लेवल को तुरंत बढ़ाता है और आगे जा करके आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है, तो प्लीज इसे नाश्ते में खाना अवॉइड करें। तीसरा है फ्रूट जूस। फ्रूट जूस को लेकर अक्सर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, लेकिन डायबिटीज के पेशेंट्स को फ्रूट जूस अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि फ्रूट जूस में नेचुरल शुगर होता है, इसके साथ ही इसमें फाइबर की मात्रा बिल्कुल नहीं होती है, जिस वजह से आपका शुगर लेवल तुरंत स्पाइक हो सकता है और फिर आपको बहुत ज्यादा इश्यूज होने लगेंगे। फ्रूट जूस की जगह आप एक पूरा फल खाइए, कोई भी मौसमी फल आप खा सकते हैं, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है, उसमें ज्यादा शुगर की मात्रा भी नहीं होती और आपको फाइबर भी भरपूर मात्रा में मिलती है। इसके साथ ही अगर आप नाश्ते में जो फ्राइड फूड्स है वो ज्यादा खाते हैं, जैसे पराठे खाते हैं, कचौड़ी खाते हैं, पूड़ी खाते हैं, तो प्लीज इसे अवॉइड कर दें। डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। एक तो ये तेल में छनता है, और मोस्टली जो लोग हैं वो रिफाइंड ऑयल में इसे छानते हैं, जो कि अच्छा नहीं होता है। इसके साथ ही इसमें फैट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो आपके शरीर में कैलोरीज बहुत ज्यादा होती है, और फिर इसे बर्न करने में आपको काफी ज्यादा दिक्कत आएगी। तो डायबिटीज के पेशेंट जो है वो सुबह नाश्ते में तला भुना खाना प्लीज अवॉइड करें। इसके साथ ही डायबिटीज के जो पेशेंट्स हैं ना, उन्हें फ्लेवर्ड योगर्ट और फ्लेवर्ड डेयरी प्रोडक्ट्स तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। आजकल मार्केट में योगर्ट के नाम पर बहुत ज्यादा फ्लेवरिंग करके उन्हें बेचा जा रहा है। ब्लूबेरी योगर्ट होता है, मैंगो योगर्ट होता है, स्ट्रॉबेरी योगर्ट होता है, लस्सी भी फ्लेवर वाली आ रही है, स्ट्रॉबेरी लस्सी, मीठी लस्सी, आम वाली लस्सी, ये आपकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते। आप जितना हो सके तो जो नॉर्मल दही होती है, सादी दही होती है, वो खाइए, नॉर्मल लस्सी पीजिए, उसके साथ ही बटर मिल्क यानी छाछ लीजिए। जितने भी ये फ्लेवर्ड डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, स्पेशली योगर्ट, प्लीज इन्हें नाश्ते में अवॉइड करिए। आप चाहे तो दही को ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स के साथ खा सकते हैं, वो आपके शरीर के लिए अच्छा होगा। लास्ट है कि आपको प्रोसेस्ड मीट नहीं खाना है। अगर आप सुबह नाश्ते में प्रोसेस्ड मीट खाते हैं तो ये आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। इसमें बहुत ज्यादा प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा ही आपके शरीर में बढ़ा देता है, और ब्लड शुगर लेवल के लिए अच्छा नहीं होता, तुरंत स्पाइक हो जाता है। तो उसकी जगह आप अंडा खाएं, स्पेशली अंडे में जो व्हाइट पार्ट होता है वो खाइए, और हो सके तो पनीर खाइए, इसमें आपको प्रोटीन की मात्रा भरपूर मिलेगी, और डायबिटीज के पेशेंट इन दोनों चीज़ों को खाना अवॉइड करें। एक और चीज़ है, वो है कॉफ़ी। अक्सर लोग कॉफ़ी पीते हैं सुबह में, लेकिन कॉफ़ी में लोग चीनी बहुत ज़्यादा मिला देते हैं, क्रीम बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, चॉकलेट डाल देते हैं, जिससे जो आपके कॉफ़ी के बेनिफिट्स हैं वो मिलते ही नहीं हैं। तो ट्राई करें, आप ब्लैक कॉफ़ी पीजिए, और अगर आप उसमें चीनी डाल रहे हैं तो उसमें बहुत ही कम मात्रा में चीनी डालिए, तो आपके लिए ये अच्छा होगा। अब जाते जाते हम आपको ये भी बता देते हैं कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स को नाश्ते में खाना क्या चाहिए। सबसे बेस्ट है दही। दही में आपको अच्छी मात्रा में प्रोटीन और कैल्शियम मिलता है, आपके गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा आप पूरा पूरा फल खाइए, जूस मत पीजिए, फल में आपको फाइबर की मात्रा बहुत अच्छी मिलेगी, आपके शरीर के लिए अच्छा होगा। सब्जियां खाइए, जितना हो सके सब्जियां खाइए, हरी सब्जियां खाइए, वो आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसके साथ ही आप ड्राई फ्रूट्स खाइए, और हो सके तो उसे भिगो कर खाइए। आप आलमंड और वॉलनट खा सकते हैं, वो आपके शरीर के लिए सबसे अच्छा है। आप चाहें तो अपने चाय और कॉफ़ी को ग्रीन टी से रिप्लेस कर सकते हैं, ये आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करते हैं, साथ ही शरीर में ब्लड शुगर का जो लेवल है उसे भी नहीं बढ़ाते। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। ऐसे और भी वीडियोस के लिए एनबीटी लाइव को सब्सक्राइब करें।